हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है हिंदू हिंदुस्तान से है हिंदुस्तान कोई हमारी तरह एक जो है हम मुसलमान हैं हमारी तरह जो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है हमने भरो किया हुआ है वो दूसरी कौन से आया अरबों का यानी कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है ये सिर्फ एक है यह ये, ये पूरा नहीं है आप सोच रहे हैं कि साहब यह पूरा यह सिर्फ टेररिज्म को लेकर है यह सिर्फ आतंकवाद को लेकर है पाकिस्तानियों के ओछी हरकतों के कारण अब सात गल्फ देशों में से किसी भी गल्फ देश में पाकिस्तानियों को नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है इसलिए अब वे अपने को भारतीय बताकर नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं संयोग की बात यह है कि गल्फ देशों में से एक महत्वपूर्ण गल्फ देश ओमान के किंग अभी भारत का दौरा कर रहे हैं इस दौरे के बाद पाकिस्तानियों पर

दे आर पंचिंग अब आपको पता है, है माँ बाप पाकिस्तान से आए थे तो दे आर गोइंग गे आर टेलिंग हमारे पेरेंट्स इंडिया से देवर लाइक वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन नहीं कह रहे थे

सही एडवांटेज हिंदुस्तान जो है वो हिंदू से है हिंदू हिंदुस्तान से है हिंदुस्तान कोई हमारी तरह एक जो है हम मुसलमान हैं हमारी तरह जो हमारा ईमान और हमारा अकीदा है हमने भरो किया हुआ है वो दूसरी कौन से आया अरबों का अरबों का हमने अपनाया हुआ है ठीक है हिंदुओं का जो मजहब है हिंदू मत वो उनका उनकी मिट्टी से है उनकी तहजीब से है उनकी तारीख से है उनके कल्चर में है उनकी साइकी में है उनकी फिलोसफी में है हिंदुस्तान जो है वो पराया कहीं बाहर से नहीं इंपॉर्टेंट चुका नहीं है वो ना हिंदुस्तान की जो जमीन है धरती जो है उससे हिंदू और हिंदुओं से अलग थलग नहीं हो सकते वो तारीख भी हिंदू है वो तहजीब भी हिंदू है वो कल्चर भी हिंदू है वो फलसफा भी हिंदू है ठीक है उसके बावजूद उनका रवैया क्या रहा हमारे साथ कि 800 साल हमने हुक्मरानी करते हैं फिर हम उनसे अलहदगी इख्तियार करते हैं और मुल्क को मुल्क की पार्टीशन करते हैं और उसके बाद उनको यहां से निकालते हैं फोस्ट सब कुछ हैं सैकड़ों साल से नस्ल दर नसल लोग रहने वाले उनकी जमीनें छीन ली गई उनकी जायदादें छीन ली गई उनके स्कूल कॉलेज महल्ले शहर छीन लिए गए ये कोई मजाक था पार्टीशन जो थी इससे ज्यादा हेट्रेड इससे ज्यादा कम्युनलिज्म, नफरत फैलाने का और क्या सोर्स हो सकता है उनके जो विक्टिम है जो उन्होंने अटैक करा उसमें ज्यादातर कौन मरे हैं उनमें 91.2 परसेंट मुसलमान मरे हैं सोचिए जरा मैं आपको फिर से बताता हूं टोटल अटैक हुए 33,769 टोटल मरे वन लैख सिक्सटी राइट 91.2 परसेंट इक्यानवे दशमलव दो प्रतिशत उसमें मुसलमान है यानी कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है यह सिर्फ एक है यह पूरा नहीं है आप सोच रहे हैं कि साहब यह पूरा यह सिर्फ टेररिज्म को लेकर है यह सिर्फ आतंकवाद को लेकर है ये सिर्फ टेररिज्म और आतंकवाद को लेकर है स्टोरी यह अभी मुसलमानों के बच्चे मारती है कोई बोलना मत वरना इस्लामोफोबिया हो जाएगा भाई मुंह मत खोल देना अपना वरना इस्लामोफोबिया हो जाएगा लेकिन इसराइल अगर अपने डिफेंस पे अटैक करे यानी कि अपने डिफेंस अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर इसराइल अटैक करे और इसराइल तो यहूदी तो बहुत बुरे हैं यार यहूदी सारे के सारे फिगर जो मैंने लिए हैं

इट्स लाइक सेइंग के जो कार्ड्स डील हुए हैं राइट नाउ जो लास्ट टाइम जो रीशफल हुआ है उसके बाद जो कार्ड्स डील हुए इंडिया इज होल्डिंग अ विनिंग हैंड ऑन मेनी इश्यूज सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री नॉट ओनली द वर्ल्ड बिगेस्ट कंट्री सात देशों के एक संगठन को गल्फ कंट्रीज कहा जाता है इसमें शामिल है बहरीन कुवैत ओमान कतर सऊदी अरबिया यूएई और इराक और इन सातों देशों से भारत के सबसे अच्छा व्यापारिक राजनीतिक कूटनीतिक और सैन्य संबंध है यूएई तो भारत का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और कहा जाता है कि अभी भारत और यूएई के बीच करीब 80 बिलियन डॉलर का व्यापार है जिसे बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर का ले जाने का फैसला हुआ है उसी तरह सऊदी अरबिया भी भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक पार्टनर है भारत ने जो रोड इनिशिएटिव का चाइना के बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव के बराबर का जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात कही है उसमें से भारत से निकलकर यूएई सऊदी अरबिया और इन्हीं गल्फ कंट्रीज से होते हुए इजराइल के होते हुए यह यूरोप से मिलने जा रहा है इसलिए जितने भी जीसीसी के की कंट्री हैं इन गल्फ कंट्रीज को जीसीसी गल्फ़ कॉरपोरेशन के नाम कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है अब इन देशों में पाकिस्तानियों ने जो वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं पॉकेटमारी करते हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं इन सब कारणों के चलते अब पाकिस्तानियों को वहाँ नौकरी पाना मुश्किल हो जा रहा है बड़े पदों की बात तो छोड़ें छोटे पदों पर भी अब पाकिस्तानियों को भारत का नाम लेना पड़ रहा है भारतीयों की दुहाई देनी पड़ रही है तब जाकर पाकिस्तानियों को कहीं वहाँ पर नौकरी मिल रही है पाकिस्तान बरदर देश बिरादर देश कहते नहीं थकता है लेकिन पाकिस्तानियों का अपने ही बिरादर देश में क्या हालत हो रही है और इसके लिए दूसरा नहीं भारत नहीं या कोई और देश नहीं खुद पाकिस्तानी ही जिम्मेवार है आज के लिए बस इतना ही जय हिंद आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय हिंद